Students, let's start. So today we are going to start the new chapter. I have written few facts related to depreciation on the board. Let's begin with that. Under the chapter basic terms, we have defined this term. So term is not going to be new for us. Depreciation means reduction or decrease in the value of non-current asset, because in our plus two class we will be calling our fixed asset as non-current asset. Better to learn the new terminology here. So everyone knows what is the meaning of non-current asset, which are not current, which are having a long life. So aapki is class mein aap ise fixed asset kehte ho, either you can write non-current asset or fixed asset. It will happen with the lapse of time. 4 saal pehle maine gaadi khareedi to definitely aaj uski value down hai. Because I am using it. Even machinery ke case mein, as and when you buy the things, chahe use nahi bhi karna shuru kiya, it's still in pack, packing mein hai. Even then it will get depreciated, or it will get obsolete. Obsolete means out of technology ho jayegi, out of date ho jayegi. Ya padi padi machinery jam ho jayegi. It will stop working. So it is not going to happen that you use it then it gets depreciated. Even padi padi cheez bhi to purani ho jati. Chahe aap jyada use karte hain, bahut cheez ko sambhal ke rakhte hain, even then it gets depreciated. So depreciation ke bahut sare causes hain. About that causes we will learn in this chapter. Then we will always calling it a non cash expense, kyunki ye kaisa kharcha hai jo aap kisi dusre ko nahi pay karte ho. When I pay rent, I take the money from my pocket and I hand over to the landlord, or I issue a check in his favor. Wahan pe paisa kisi second party ke paas ja raha hai. Ye kharcha kisi outside party ko nahi pay kiya jata. Depreciation ka ultimately maksad kya hai? आप एक तरह की सेविंग करते हो. कल को वो एसेट पुराना होना है, उसकी जगह आपको नए के साथ रिप्लेस करना है. इन ऑर्डर टू बाय दैट न्यू एसेट, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड वन, यू विल रिक्वायर मनी. तो वो पैसा आप अभी से जोड़ना शुरू कर देते हो. सो डेप्रिसिएशन इज नथिंग, इट इज लाइक अ सेविंग. एक एग्जाम्पल से मैं बात करवाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, 5 years बैक यू बॉट अ मशीनरी ऑफ 10 लाख. जब मैंने खरीदी थी ना, मैंने कस्टमाइज करवाई थी मशीनरी, अपने ऑर्डर पे बनवाई थी, ठीक है. अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की सारी रिक्वायरमेंट मैंने उस सप्लायर को बताई थी, उसने कस्टमाइज किया था इस मशीनरी को. एंड व्हेन ही कस्टमाइज्ड दिस मशीनरी, ही टोल्ड मी इट इज गोइंग टू वर्क फॉर 5 years. इट मीन्स कि ये 5 सालों के बाद मेरे को इसे चेंज करना होगा. एंड दिस 5th year इज गोइंग ऑन. एज अ रैशनल बिजनेस वुमन, मेरे को पता है 5 सालों के बाद ये 10 लाख वाली मशीन मेरी खराब हो जाएगी, कंडम हो जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, मेरे को नया खरीदना होगा. तो एक रूल तो ये कहता है, इसको इसकी लाइफ से डिवाइड कर दो. 10 लाख इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, इसको इसकी लाइफ से डिवाइड करो. 2 लाख एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करो. 5 सालों के बाद आपके पास 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा. क्या 5 सालों के बाद ये जो मैं नई मशीन खरीदूंगी आज भी 10 लाख की आएगी? नहीं, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, 12 की हो सकती, 15 की हो सकती. 10 लाख आपके पास जुड़ा पड़ा है, बाकी 5 लाख का लोन ले लेना. कहीं पे 15 लाख का लोन लेते तो दैट वाज अ ह्यूज बर्डन ऑन यू. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर फाइनेंशियल बर्डन, हमारे अकाउंट्स में रूल बना दिया गया, व्हाई नॉट टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. आप घरों में अपने पेरेंट्स से कभी बात करके देखना, व्हेन दे गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ द एसेट कम्स डाउन. मतलब उस व्हीलर की, ऑटोमोबाइल की वैल्यू डाउन होती है, एंड एवरी ईयर यू पे अ रिड्यूस्ड प्रीमियम. मान लो 7 साल पहले अगर मैंने गाड़ी ली है, तब मेरा प्रीमियम 20,000 गया है. अब 7 साल के बाद वो 7 या 8 हजार हो गया होगा. क्यों? क्योंकि हर साल के बाद गाड़ी की वैल्यू डाउन हो रही है ना. डाउन हुई हुई वैल्यू के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है भाई. आप कभी बात करके देखना, यू विल गेट एन आइडिया. सो दिस इज वॉट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज. और यहाँ पे मैं बात कर रही थी सेविंग की. हर साल आप 2-2 लाख जोड़ोगे, 5 सालों के बाद आपके पास 10 लाख इकट्ठा हो गया, ठीक है. थोड़ा सा पैसा आप उधर से डालोगे और नया एसेट खरीद लोगे ना. दिस इज व्हाट वी कॉल डेप्रिसिएशन. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल इट अ नॉन कैश एक्सपेंस. ये पॉइंट वेरीफाई हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि हम किसी को नहीं पे करते, अपने पास जोड़ के रखते हैं. बीइंग एन एक्सपेंडिचर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. कैन आई कॉल इट पर्सनल और रियल? नो, इट इज माय एक्सपेंडिचर, चाहे नॉन कैश ही है,
लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर सो इट इज ऑलवेज बीइंग डेबिटेड इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी आगे जाके लास्ट में चैप्टर आएगा प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो उसमें सारे खर्चे और सारी इनकम हम शो करते हैं. As it is an expenditure, it is going to be debited in that particular account. And every year we charge depreciation. Every year. फिर मैंने एक पॉइंट लिखा, it is being charged on time basis. मान लो मैंने जो मशीन खरीदी है वो 1st September को खरीदी है. And my accounting year gets started on 1st April. And it ends on 31st March. अगर मैंने 1st September को खरीदी है, September, October, November, December, January, February, March. पहले साल 7 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा ना कि पूरे साल का. व्हाई? बिकॉज यू यूज्ड इट फॉर 7 मंथ्स ओनली. तो आपने देखना है कितनी देर के लिए आपने उस मशीन को यूज किया है. हैड आई बीन बाइंग इट ऑन 1st April. पूरे चैप्टर में डेट्स की कंफ्यूजन बच्चों को रहनी है. एवरी टाइम यू हैव टू रीड डेट ऑफ परचेज. और हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं हमेशा स्टार्ट किया करूंगी डीओपी. एज एवरी वन ऑफ अस हैज डीओबी डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से पूरे न्यूमेरिकल्स में वी विल ऑलवेज बी राइटिंग डेट ऑफ परचेज. डेट ऑफ परचेज विल टेल यू फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन. जितने महीने और जितने टाइम के लिए वो एसेट आपके पास रहा है, आपने उस टाइम को बेस बना के उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है. जितना मैंने बोला दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. राइट? एनी डाउट अबाउट एनीवन अबाउट एनीथिंग? चलिए जी, बुक में से देखते हैं. हाउ ही हैज डिफाइंड, वी हैव सर्टन डेफिनेशंस गिवन बाय सर्टन ऑथर्स. लेट्स रीड. सो चैप्टर इज आफ्टर बीआरएस, इट्स 12th चैप्टर. कम एट पेज नंबर 12.1. इंट्रोडक्टरी पेज है, वहां पे हमें सारी रेफरेंसेस दे रखी हैं व्हाट ही इज गोइंग टू डिस्कस विद अस इन दिस चैप्टर. नाउ कम टू द कांसेप्ट, 12.2 पेज, कांसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. All other assets are to be depreciated except land or plot of land. Will you agree? Because land ki value hamesha badhti hai. So land always gets appreciated. Will the constructed building be also appreciated? Constructed building real estate mein aati hai. Waise to land bhi real estate ka part hi hai. Lekin constructed building can be appreciated, can be depreciated also. लेकिन अगर मैं लैंड की बात करूं तो यही मान के चलते हैं कि लैंड की वैल्यू लगातार बढ़ती है. उसके लिए हम एप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे, दैट इज फॉर योर नॉलेज ओनली. एक्सेप्ट दैट प्लॉट ऑफ लैंड एवरी अदर एसेट कम्स डाउन इट इट्स वैल्यू वेदर यू आर यूजिंग इट और कीपिंग इट. चाहे आप यूज कर रहे हैं नहीं भी कर रहे तो भी उस वैल्यू ऑफ एसेट में क्या आएगा, डाउनफॉल आएगा. और उसी डाउनफॉल को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं. डेफिनेशन पे आइए. ये टर्म has been framed by two words, D plus prete. D का मतलब pretium. He is calling it D plus pretium. बाद में धीरे धीरे इसे प्रीशियन कहना शुरू कर दिया. सो D का मतलब क्या है, डाउनफॉल है. और pretium का मतलब क्या है, प्राइस. ठीक है, तो D pretium का मीनिंग क्या बन गया, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ठीक, तो दो वर्ड से ये बना है. फिर बातें कर रहे हैं फर्स्ट बेंच पे बैठ के. विलियम पिकल्स की डेफिनेशन देखो. सी द डेफिनेशन गिवन बाय विलियम पिकल्स. इट इज अ पर कैन यू रिकूप द डेप्रिसिएशन वंस इट इज बीइंग चार्ज्ड, इट इज हैज गॉन. आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हो. अगर एक बार 10 लाख से वैल्यू डाउन हो गई, 8 लाख हो गई है, क्या मैं दोबारा उसे 10 लाख पे लेके जा सकती हूँ? नो. तो उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस डिमिशन मींस डिक्रीज. एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, दैट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअसली यू आर चार्जिंग टिल इट्स लाइफ कम्स टू एन एंड. जब तक उस एसेट की लाइफ का एंड नहीं होता तब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे. मींस जब तक वो अपनी यूजफुल कंडीशन में है तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी. वंस इट्स गेट्स ऑब्सोलीट, वंस इट्स गेट्स आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. और पंजाबी में बोलते हैं फिर उसे कबाड़ के भाव बेचेंगे. इफ इट इज अ मशीनरी तो लोहे के भाव में जाएगी क्योंकि इसने काम ही करना बंद कर दिया, कंडम हो गई है. गेटिंग इट? उसे स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे इस चैप्टर में व्हेन वी विल बी सेलिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट थिंग्स. डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं. डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटीन्यूअस डिमिशन इन द क्वालिटी. जो फिनिशिंग एक नई चीज की होती है, क्या पुरानी चीज की भी वैसी फिनिशिंग होगी? इट मीन्स की लुक वाइज भी तो चीज चेंज हो रही है. इट मीन्स की उसने सही वर्ड लिखा, क्वालिटी कम्स डाउन.
ठीक है, विद टाइम जब आपके एसेट की क्वालिटी में क्या आती है, लुक में चेंज आती है, वो चीज पुरानी सी लगने लग पड़ती है, तो भी हम उसे बोलते हैं इट इज डेप्रिशिएटेड आइटम। क्वालिटी में चेंज आना, क्वांटिटी में भी चेंज आना। क्वांटिटी में कैसे चेंज आना, घिसी पिटी सी लग रही है चीज। जब लेके आए थे मशीन को, वेट किया था तो 100 kg था, अब लोहा घिसावट के कारण, ठीक है, थोड़ा हम लोगों ने उसे यूज किया, नाउ इट्स वेट इज 90 kg और 95 kg, तो क्वांटिटी वाइज भी रिडक्शन हो सकती है। क्वालिटी वाइज रिडक्शन है, क्वांटिटी वाइज रिडक्शन है, और वैल्यू, वैल्यू मीन्स उसका प्राइस भी कम होगा। एक नई चीज की कीमत और यू कैन से पुरानी चीज की कीमत में डिफरेंस तो होगा ही ना, पुरानी चीज जब बेचेंगे तो सेकेंड हैंड में जाएगी ना। You are getting me? So very good definition. In simple words, he has defined the term depreciation. That is William Pickles. Agli definition dekhte hain Spicer and Pegler. How they defined it? It may be defined as a measure of exhaustion of effective life. Effective life means useful life. Iska matlab kya hai? Jab kisi asset ki useful life khatam ho rahi hai. Exhaustion ka matlab it is going coming to an end. 5 saalon ke baad, 6 saalon ke baad, uski life kya ho gayi hai? Khatam ho gayi hai. Now it stopped working. This is what we call depreciation. Come to the next. Causes of depreciation. Next topic is causes of depreciation. Let's begin with that. Causes of depreciation. He has bifurcated the causes into 2 parts. Let me tell you, physical and functional. दोनों में क्या डिफरेंस होगा? How you can say कि this cause is a physical and how can you say it is a functional? एक सिंपल सा हिंट है, फिजिकल मीन्स जब उसकी लुक चेंज हो जाती है, लुक वाइज वो डिटीरियोरेट हो जाता है तो भी वो डेप्रिसिएशन का कारण है। फंक्शनल मीन्स जब उसकी वर्किंग रिड्यूस हो जाती है। Like जब मैंने 5 साल पहले मशीन खरीदी थी तो उस मशीन की हेल्प से मैं 10,000 यूनिट्स पूरे साल में बनाती थी, मतलब 10,000 पीसेस बनाना उसकी कैपेसिटी थी। अब मशीन की वर्किंग स्लो हो गई है, इट इज ओनली एबल टू प्रोड्यूस 7,000 यूनिट्स, जबकि मेरी डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। अब तो मेरे को नई मशीन चाहिए क्योंकि मेरी मार्केट में डिमांड 12,000 यूनिट की हो गई है, 15,000 यूनिट्स की हो गई है, तो मेरी पुरानी मशीन इज नॉट एबल टू कॉम्पनसेट इट। सो डेफिनेटली दो इट इज वर्किंग बट इट हैज गॉन स्लो, नाउ इट इज वर्किंग सो स्लोली, और बीच में बहुत बार हमें तंग भी करती है, मीन्स रुक जाती है, हमें मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, फिर से उसको रीस्टार्ट करवाना पड़ता है। सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन एनीथिंग क्रिएट्स, दैट इज अ राइट टाइम टू चेंज इट। गाड़ी को भी क्यों चेंज करते हैं, या तो मॉडल पुराना हो जाता है या हमें लगता है हमें प्रॉब्लम दे रही है, एवरेज कम हो गई है, लुक वाइज डिटीरियोरेट लग रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो फिजिकल मीन्स लुक वाइज वो बात करेगा, फंक्शन मीन्स उसकी इफेक्टिवनेस इन इट्स वर्किंग। सो लेट्स सी, अंडर फिजिकल ही हैज बाइफर्केटेड सो मेनी कॉजेस। 1, वेयर एंड टेयर, विल यू एग्री? जब टूट फूट हो गई, पुरानी हो गई, वेयर एंड टेयर मीन्स टूट फूट होना, बार बार रिपेयर करवा रहे हैं, बार बार उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं, बार बार सर्विस करवानी पड़ रही है, ठीक है, दैट इज वन फिजिकल कॉज, डन। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन, हाउ इट गेट्स डिस्ट्रक्टेड, ड्यू टू एनी नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, मॉइस्चर में पड़ा रहा सामान, बार बार साथ में भीग गया, It got rusted, it stopped working, ठीक, तो भी लुक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग अ फर्नीचर शॉप और लकड़ी बाहर पड़ी रही, बरसात आ गई, तो उस केस में दैट वुड विल गेट लॉस्ट इट्स लुक, ठीक है, एक गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी में फर्क होता है भाई, ठीक है, सो इट विल नॉट बी गिविंग दैट मच फिनिशिंग, और उसमें काम भी नहीं कर पाएंगे हमारे कारपेंटर। सो दिस इज वॉट वी कॉल फिजिकल कॉज, विच वी कॉल डिस्ट्रक्शन, डीके। दोनों में डिफरेंस क्या है? डीके में भी कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल दी और डिस्ट्रक्शन में भी ऐसी दी है, दोनों में डिफरेंस ढूंढते हैं। डिस्ट्रक्शन के बारे में उसने लिखा, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट रिड्यूसेस इट्स यूटिलिटी वैल्यू, यूजफुलनेस कम हो जाती है डिस्ट्रक्शन के कारण। और डिस्ट्रक्शन के कारण क्या बताए? फायर, फ्लड और सिमिलर अदर हैवॉक्स। मेरे हिसाब से फिर नेचुरल क्लैमिटीज ही है और अनसर्टेनिटीज है ना डिस्ट्रक्शन। अब डीके में क्या लिखा? It refers to lessening it the utility of an asset by the effect of nature. यहाँ पे भी तो natural calamity है। Destruction का मतलब है fully comes to an end. आग लगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, जो बचेगा भी तो वो हमारे लिए useful नहीं होगा, कबाड़ के भाव ही जाएगा, destructed. The things got destructed. मशीन को आग लगी, हर जगह काला काला हो गया, जो उसका हैंडल है वो जल गया क्योंकि वो वुड का था या प्लास्टिक का था, नाउ वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट, तो दैट इज व्हाट डिस्ट्रक्शन।
मोर और लेस फुली गॉट एग्जॉस्टेड, दैट इज डिस्ट्रक्शन। और उसके कारण क्या है, यूटिलिटी वैल्यू तो है लेकिन गेट्स रिड्यूस्ड, बिल्कुल खत्म नहीं हुई चीज, इट्स यूटिलिटी वैल्यू गेट्स रिड्यूस। जैसे मैंने बोला रेन के कारण लकड़ी का गीला हो जाना, तो वो लकड़ी जब सूख जाएगी धूप निकलेगी तो वो फिर से हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी। दिस इज व्हाट डिके, टेम्पररली जब किसी चीज की यूजफुलनेस में डाउनफॉल आता है तो उसे आपने क्या बोलना है, डिके। और जब परमानेंटली किसी चीज की यूजफुलनेस में और आप उसे रीगेन भी नहीं कर सकते वो डिस्ट्रक्टेड है। डिके में यू कैन रीगेन देयर अर्लियर पोजिशन विथ सम एफर्ट, जैसे मैंने बोला। और यू नो व्हेन आयरन गेट्स रस्टेड ड्यू टू मॉइस्चर एटसेट्रा, तो सुजेस्ट क्या किया जाता है, पेंट वगैरह करवा लो, उसको वार्निश करवा लो, तो वी कैन रीगेन इट्स लुक ना, यू आर गेटिंग मी। लेकिन टेम्पररली उसने अपनी लुक को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सो दैट्स व्हाई दैट इज अ फिजिकल कॉज। ऑल द थ्री फिजिकल कॉजेस आर क्लियर टू यू, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिस्ट्रक्शन मीन्स परमानेंट डाउनफॉल और चेंज इन द लुक ऑफ द एसेट, लाइक इट मे हैपन ड्यू टू फ्लड, फ्लड में चीज बह गई, अब हमारे यूज करने के काबिल ही नहीं रही, ठीक है, या उसका एक पार्ट चला गया कहीं और दूसरा पार्ट हमारे पास है, तो वी आर नॉट एबल टू असेंबल द थिंग्स नाउ, तो इट हैज गॉट डिस्ट्रक्टेड, गॉट इट। फायर के कारण आधी अधूरी मशीनरी रह गई, एक पार्ट बिल्कुल जल के खराब हो गया, अब वो वर्किंग कंडीशन में आ ही नहीं सकता, जितनी मर्जी मैं उसकी सर्विस और मेंटेनेंस करवा लूं, दैट गॉट डिस्ट्रक्टेड। द कॉजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन मे बी, फिर दोनों का सेम ही है, मैं तो डिफरेंशिएट करूंगी, डिस्ट्रक्टेड मतलब फुली फुली ही बोलो इसको, और उसमें इसने दोनों का मीनिंग सेम लिखा है, देन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, ऑथर की कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक भी रहता है, दोनों में फर्क तो है ही है। मैंने अभी बोला यूजफुलनेस कम हो गई या अबाउट टू निल, जैसे मशीन का एक पार्ट बिल्कुल जल के राख हो गया तो अभी नहीं कर सकते ना हम उस पर काम नहीं कर सकते, तो लाइक दैट वे, तो आपने इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है, दैट यू विल रिटेन इनटू योर माइंड, डन। चलिए जी, फंक्शनल, फंक्शनल का क्या मीनिंग बताया, इट्स वर्किंग गेट्स डिटीरियोरेटेड, अब हमारी वो एसेट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही, आए दिन हमें क्या दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, दैट इज फंक्शनल कॉज। वन, ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मींस इट गेट्स आउट ऑफ डेट, इट इज वर्किंग बट इट इज आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक मशीन मैंने 10 साल पहले खरीदी थी, मैक्सिमम काम उसमें मैनुअली हो रहा है, अब उसकी जगह एक ऑटोमेटेड मशीन आ गई है, मेरी पुरानी अच्छा काम कर रही है लेकिन मैं ऑटोमेटेड ही लूंगी ताकि मेरी एनर्जी मेरे वर्कर्स की सेव हो, मेरा टाइम भी कम लगे। दो माय ओल्डेस्ट वर्किंग प्रॉपरली बट इवन देन आई वांट टू चेंज इट, व्हाई, द कॉज इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मींस ये अच्छी नहीं लग रही, पड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही, हैवी लग रही है, अब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन आ गई है जो ऑटोमेटेड इन नेचर है, दो माय ओल्डेस्ट वर्किंग, when my old is working and even then I want to replace it, the cause is what, obsolescence, cause is what, out of technology, cause is what, out of date hona uska, theek hai, so obsolescence ka matlab kya hai, jab koi cheez aapki purani ho jati hai, technology purani ho jati hai lekin wo kaam theek kar rahi hoti hai, dekho yahi likha, kyunki nayi inventions ho gayi, theek hai, technology mein improvement aa gayi hai, so this is what we call obsolescence, done, clear hai, purane wale desktop kahin pe milte hain ab hame, जो पीछे से जिनका इतना जंबो साइज रहता था, अब सिलिक वाली एलईडी है ना, यू आर गेटिंग मी, तो वो दे वर्क बट दे आर ऑब्सोलीट, गेटिंग इट। फिजिकल कॉज मींस लुक चेंज हो जाती है, इनएडिक्वेसी, अभी मैंने एक एग्जांपल दी इनएडिक्वेसी, जब आपने 5 साल पहले मशीन खरीदी थी तब आपके बनाए सामान की मार्केट में डिमांड बहुत कम थी, तब डिमांड सिर्फ 8,000 थी, फिर भी आपके मैन्युफैक्चरर ने, उस मशीन के मैन्युफैक्चरर ने बोला मैं 10,000 के अकॉर्डिंग बना देता हूं, इसकी कैपेसिटी 10,000 तक होगी, अगर कल को आपकी डिमांड बढ़ भी जाती है इट विल अकोमोडेट, ठीक है, धीरे धीरे मेरी डिमांड बढ़ी, आज डिमांड 15,000 यूनिट है, वो मशीन तो सिर्फ 10,000 यूनिट बना पाएगी भाई, दो इट इज वर्किंग, क्या करें, या तो उसे चेंज कर लें या एक नई खरीदनी पड़ेगी और जो मेरे बढ़ी हुई डिमांड को फुलफिल करे, सो दिस इज व्हाट, माय ओल्ड बिकेम इनएडिक्वेट टू कैटर द नीड, to cater the demand, मेरी पुरानी मशीन, जैसे घरों में फैमिली मेंबर अगर बढ़ गए हैं, you have the 5 seaters vehicle with you, लेकिन अब आपको लगता है कि कोई गेस्ट आ जाता है उसको हमें साथ में लेके जाना होता है, तो it is not going to accommodate it, you want to change the
ऑटोमोबाइल, यू वॉन्ट टू चेंज योर फोर व्हीलर ड्यू टू इनएडिक्वेसी, दो इट इज वर्किंग, और दो साल पहले ही खरीदा था, आपको लगा मेरा डिसीजन गलत लगा, निकला, घर में एसी लगाया, रूम की डायमेंशन बहुत बड़ी है, आपने वन टन का ही लगाया, इनएडिक्वेट है, कूलिंग नहीं हो रही प्रॉपर, आपने एक्सपर्ट को भी बुलाया, उसको यही लगा कि कमरा बड़ा है और टन एसी का कम है, ठीक है, सो इन योर रूम इट इज गोइंग टू बी ऑफ, शुड बी ऑफ 2K, 2 टन, दिस इज व्हाट वी कॉल इनएडिक्वेसी, दो इट इज वर्किंग बट इट इज इनएडिक्वेट, यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, सो इनएडिक्वेसी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्लेस, जब आप अपनी पुरानी चीज को नई के साथ रिप्लेस करते हो वो डेप्रिसिएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन के बहुत सारे कारण, गेटिंग इट, आगे चलते हैं, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, जहां पे मैंने लिखा था विद द लैप्स ऑफ द टाइम, धीरे धीरे टाइम बीतता है, आपको लगता है ये चीज पुरानी सी लगने लग पड़ी है, अब इसकी वो कैपेसिटी नहीं रही जो बिल्कुल नई की हुआ करती थी, तो टाइम के साथ आपको चीज बदलनी पड़ती है, क्यों, देखो कारण क्या लिखा उसने, देयर आर सम एसेट्स, यस, पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, योर ड्राइविंग लाइसेंस गॉट एक्सपायर्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, इजंट इट, इट गॉट एफ्लक्स्ड विद द लैप्स ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीन्यू इट, केमिस्ट की शॉप, फार्मेसी की शॉप, वो भी अपने लाइसेंस को क्या करवाते हैं, रीन्यू, इसी तरह से डॉक्टर्स के लाइसेंस होते हैं, हमारे एडवोकेट्स के लाइसेंस होते हैं, उन्हें भी अपने उन लाइसेंसेस को क्या करवाना होता है, रीन्यू करवाना होता है, तो एफ्लक्शन ऑफ टाइम इज ओनली बीइंग एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू इनटेंजिबल एसेट्स, यू गॉट समथिंग पेटेंटेड, आपने किसी चीज को, किसी फॉर्मूला को, किसी रेसिपी को आपने, या किसी रिसर्च वर्क को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया, वो 5 साल के लिए हो रहा है, 6th ईयर में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, so this feature or this type of cost is not being applicable with every type of asset, this is basically meant for which assets, intangible assets like your copyrights, patents, your licenses, alcoholic product banane ke liye, medicine banane ke liye, jise bolte hain drug manufacturing, life saving drugs banane ke liye, you need to get a license and that license gets expired because it is your intangible asset. So for that also we use the term effluxion of time. ठीक है? Now everything is clear. Whatever he has written, that I explained to you. Depletion. Again, this word is not to be applied for my machinery, for my furniture. This is to be applicable with non-renewable asset, like minerals, like mines, coal mines. So coal mine never get depreciated. It is always get depleted. Once you extracted the whole coal from that mine, it gets depleted or it is not going to be renewed. Oil well se sara oil extract kar liya, theek hai, it get depleted. So natural resources ke liye hum kaun sa word use karenge? You know, ek coal mine ka kya liya jata hai? Lease pe li jati hai. Theek hai, aur lease ka matlab hai aap uske liye rent pay karoge. To jis kisi ne bhi, aur ye sari cheeze hamari government ke under hai. Government iski boli lagwati hai. ठीक है, ऑक्शन होती है, जो ज्यादा ऑक्शन प्राइस पे करता है उसको वो कोल माइन दी जाती है 2-3 सालों के लिए, तो उस कोल माइन से जितना भी कोल एक्सट्रैक्ट होगा, जिसने लीज पे लिया है वो उसमें से क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, सो फॉर दैट टाइम पीरियड, क्योंकि उसने पेमेंट करी हुई है, वो उसका ओनर बन जाता, तो उसके लिए ये चीज क्या है, एसेट है ना, यू आर गेटिंग इट, सो नेचुरल रिसोर्सेज के केस में हम कभी भी वर्ड डिप्रिसिएशन नहीं यूज करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वी ऑलवेज यूज अ वर्ड डिप्लीशन. They always get depleted. Getting it? And with the help of few examples, he just explained it. Exhaustion. Few assets are never again being depreciated. They got exhausted. Exhausted means unki life khatam ho jati hai. Like nursery mein pare plants, like livestock, poultry farming mein, dairy farming mein. Theek hai, animals hain, ya aapke kya hain, birds hain. Theek, poultry farming mein, fishing mein. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एग्जॉस्ट होती हैं, ये डेप्रिसिएट नहीं होता, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑलवेज गेट एग्जॉस्टेड, देखो एग्जांपल मेरे वाली लिखी है, हाँ जी, प्लांटेशन एनिमल्स, ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दे दी, पोल्ट्री की आप एग्जांपल ले सकते हो, फिशिंग की आप ले सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री की आप एग्जांपल ले सकते हो, सो दीज ऑल लिविंग थिंग्स नेवर गेट डेप्रिशिएटेड, दे ऑलवेज गेट एग्जॉस्टेड. नर्सरी का जो ओनर है, प्लांटेशन जिसने कर रखा है, उसके लिए प्लांट्स एसेट है भाई, उसकी लिवलीहुड का सोर्स है, तो प्लांटेशंस नेवर गेट डेप्रिशिएटेड, दे ऑलवेज गेट एग्जॉस्टेड.
ठीक है, विद टाइम उनकी भी एक सर्टन एज रहती है, उस एज के बाद वो डिमोलिश होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम टर्म कौन सी यूज करेंगे, एग्जॉस्टेड. डन. सो एग्जॉशन इज ऑल्सो वन ऑफ द, मुरझा से जाते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि नाउ इट विल नॉट ग्रो, इट विल नॉट ग्रो, सो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज अ टर्म एग्जॉशन. गॉट इट? सो एग्जॉशन इज ऑल्सो, फंक्शन कम हो गया, when it is not able to grow more, it means ki functional cause hua. So functional causes ke sare aage subheadings clear hain. For different types of assets, we are using different terminology. Got it? Chaliye ache aage chalte hain. Characteristics of depreciation. Will it be the first characteristic of depreciation? Why and how? Who will explain? Agar main vaiva mein question puchun, why do we call depreciation a non-cash expense? How will you explain it? How will you answer it? No, no. हमारा कैश नहीं कम होगा, because we are not paying it to outside. We are just keeping or saving the money with us. Depreciation का जो भी पैसा है profit में से हम साइड पे रख रहे हैं. एक साल का profit अगर 15 लाख है तो उस 15 लाख में से 2 लाख तो मैंने depreciation चार्ज करी. और हर एक rational businessman depreciation चार्ज करेगा, क्योंकि depreciation अगर आप चार्ज करते हो तो 15 लाख का profit कम होके कितना हो गया, 13 लाख हो गया. 13 लाख के ऊपर आप कम tax pay करोगे. Tax की saving के लिए भी depreciation चार्ज करना चाहिए, and it is permissible in our Indian Income Tax Act. Will there be any rule, hard and fast rule to charge depreciation? No, it depends upon your subjectivity. मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा फर्नीचर इतना जल्दी और इतनी तेजी से डेप्रिसिएट नहीं होता जितना एक सिनेमा हॉल का फर्नीचर जल्दी डेप्रिसिएट होता है. विल यू एग्री? यस. उसकी यूसेज ज्यादा. सो पब्लिक प्लेसेस की जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से डेप्रिसिएट होते हैं, तो सिनेमा हॉल वाले अगर 60% या 50% भी डेप्रिसिएशन चार्ज करें, एडमिसिबल है. Because the public members are coming to their place and they are going to use it in a rough and tough manner. They will not be, they will damn bothering about this thing. ठीक है, होता है ना ऐसा? I'm repeating the line. It is not essential that every community or every business house will be charging the depreciation on the same rate. Stationery की shop पे पड़ी किताबें इतनी जल्दी depreciate नहीं होती जितनी public library की होती है. Will you agree? और बुक्स के ऊपर मेरा इनकम टैक्स एक्ट कहता है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहता है, इवन 100% डेप्रिसिएशन लगाओ, बिकॉज़ दीस आर बीइंग मेड ऑफ पेपर एंड पेपर गेट एग्जॉस्टेड वेरी इजीली एंड वेरी सून. ठीक बोलता है ना? पब्लिक लाइब्रेरी की बुक्स बहुत तेजी से क्या होंगी, डेप्रिसिएट होंगी, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कितने हाथों में से जाना. और एक स्टेशनरी की बुक्स में पड़ी बुक्स इतनी जल्दी डेप्रिसिएट नहीं होंगी. गेटिंग इट? So that's why in India there is no hard and fast rule कि आपने 10% depreciation लाना है कि 50% लगाना है कि 100% लगाना है. So it vary from product to product, it vary from uses to uses. Getting it? So this point, being commerce student, should be fixed with your mind. How the depreciation is being charged? It based upon our subjectivity. It based upon our own judgment. Second feature is also clear to you. It is of how many types? Physical kya hai? When its look gets changed. And functional kya hai? When its working capacity gets changed or reduced. Ya to working capacity bilkul zero ho jati hai ya kam ho jati hai. Kam hone ka matlab still it is working, but it's not working as it was working on day one when I bought it for the first time. Got it? Third, depreciation. Yes, very good line. Depreciation is the allocation of the cost over the life of the asset. ये allocation of cost था. 10 लाख को मैंने उसकी life में divide किया. हर साल depreciation मैंने कितना लगाया? 2 लाख. It means dividing the cost into its life. मेरे को कैसे पता चला कि मैं दो लाख लगाऊं? क्यों नहीं मैं 3-3 लाख लगा रही? नहीं लगाऊंगी, because I framed a formula in my mind. Cost divided by life. 5 सालों के बाद मेरे को धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू करना है, तो 2-2 लाख हर साल जोड़ लेती हूँ ना, 10 लाख हो जाएगा. जितनी भी कॉस्ट मार्केट में नई एसेट की बड़ी होगी, या तो लोन ले लेंगे या बिजनेस में से निकाल लेंगे थोड़ा बहुत पैसा, कहीं से बोरो कर लेंगे. सो दिस इज ओनली एन अरेंजमेंट. एलोकेशन मीन्स डिवाइडिंग द कॉस्ट इंटू द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. Will we charge depreciation on current assets? No. We always charge it on non-current assets or on fixed assets. So fourth feature is also clear.
अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो फिक्स एसेट को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था फर्स्ट चैप्टर में, फिक्स एसेट टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आप लिख दो साथ में, ऑन बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फिक्स एसेट आगे दो तरह के होते हैं, यू नो पेटेंट इज माई फिक्स एसेट, कॉपीराइट इज माई फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आगे दो तरह के होते हैं, फिक्स को करंट थोड़ा ना बना देना, फिक्स टेंजिबल भी होते हैं इनटेंजिबल भी होते हैं। टू बी ब्रीफ आप और टू बी एक्यूरेट आप साथ में ऐड कर लो, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, क्योंकि फिक्स एसेट की आगे सब कैटेगरीज हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आगे चलो, कैन आई रिकूप डेप्रिसिएशन। रिकूप मतलब रिकवरी। एक बार डेप्रिसिएशन लगना शुरू हुआ, एक बार मैं चीज खरीद के लेके आई, ये मैंने इंस्टॉल करवाया अपना एसी आज, कल वो आउट ऑफ डेट है। ये मैं आज म्यूजिक सिस्टम लेके आई, कल वो आउट ऑफ डेट है, क्योंकि हर आए दिन तो नई टेक्नोलॉजी है। So depreciation is a continuous fall in the value of asset. It is not a one-time game or one-time show. कि एक बार depreciation लग गया, पहले साल लग गया तो दूसरे साल नहीं लगेगा, दूसरे साल लग गया तो तीसरे साल नहीं लगेगा। Continuously, either you are using it or you are keeping it, you will be charging the depreciation. So it is a continuous fall in the value of asset.